<coughs> hey guys, just let me check if I am live or not. I think so. I am live. Yes, I am live. I am live. <coughs> yes.

आज क्या होने वाला है आज पूरा का पूरा सेल्स ऑफ गुड्स करने वाले हैं। तो जिनके भी सिलेबस में सोगा है, सेल्स 1930 है वो सब के लिए ठीक है ये सब, सब के लिए जिनके भी सिलेबस में सेल्स ऑफ गुड्सैक्ट नाइनटीन थर्टी है जबरदस्त जबरदस्त ढंग से मैं रिवीजन करवाऊंगा डेढ़ घंटा में मैं पूरा सोगा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूंगा पढ़ा नहीं रहा हूं रिवीजन करवा रहा हूं लेकिन रिवीजन मैं एक एक कंसेप्ट में बोलूंगा थोड़ा फास्ट बोलूंगा बहुत फास्ट बोलूंगा लेकिन डेढ़ घंटा में एक घंटा पैंतालीस मिनट में इन अप्रोक्स वन एंडी फाइव भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो खत्म होगा और ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा वीडियो खत्म होते ही ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा ठीक है बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करके मनोबल बढ़ा दे मोटिवेट कर दें और फिर अमेजिंग सेशन जो है इट इज योर वे नोट्स का अभी आपको दरकार नहीं है मेरे स्क्रीन पर नोट्स आप देख लीजिए मेरे स्क्रीन पर जो नोट्स रहेगा वो आप देख लीजिए आज पूरा सोगा का रिवीजन कर रहे हैं और फिर कल दो बजे क्या होगा इसका मेंटी क्विज होगा क्विज क्विज जबरदस्त रूप से इसका खेलेंगे कल दो बजे आज पूरा का चल रहा है और कल इसका क्विज खेलेंगे दो बजे <coughs> और भाई मैं एक बार और बता दूं आपको पता है ना क्या होगा जिन लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब का एक टेक्निकल ग्लिच रहेगा एक मिनट के लिए एक मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने दस सेकंड के लिए जो है ना आ, हो सकता है आपका कनेक्शन लॉस्ट हो जाए खाली दस सेकंड के लिए उस समय आपको क्या करना है अपना वीडियो को क्लोज करना है ठीक है एक बार यूट्यूब को क्लोज करना है फिर वापस से ऑन कर लेना है यूट्यूब का वीडियो को क्लोज करना और फिर वापस से वीडियो ऑन कर लेना है ठीक है यूट्यूब का वीडियो एक बार क्लोज करके फिर वापस ऑन कर लेना कब जब, जब 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 बफरिंग एक बार होगा दस सेकेंड के लिए यह बात पक्का है चलो <coughs> तो भाई जुड़े रहो हम लोगों के साथ और पूरा मजा लो ये रिविजन उत्सव का पूरा मजा लीजिए ये रिविजन उत्सव का बॉयज एंड गर्ल्स ठीक है आपके लिए सारे फैकल्टीज जान लगा दे रहे हैं और आज साढ़े चार बजे हमारा नया बैचेस फाउंडेशन एन ईटी का सीए फाउंडेशन सी एम ए फाउंडेशन सी एस टी का उसका ओरिएंटेशन क्लास रहने वाला है जिसमें सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो अगर आप चाहें तो आप वो साढ़े चार बजे वाला क्लास भी कर सकते हैं जिसमें नए बच्चों को सिलेबस पूरा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट एस स्टार्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो रिसेंट ज्वाइन किया है जो रिसेंट रिविजन सेशन ज्वाइन किया है

<coughs> ये देखो राहुल पूछ रहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी होगा क्या सर अरे मेरे राहुल ऑलरेडी हो चुका लास्ट मंडे लास्ट मंडे ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुका है ठीक है लगभग तीन घंटा का पूरा रिवीजन सेशन था उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुका है उसका क्विज भी हो चुका है चलो बाजो लेट अस्टार्ट स्टार्ट चलो फोकस करो स्टार्ट कर रहे <coughs> स्टार्ट कर करें बेटा दस सेकेंड स्टार्ट कर रहे करेंट नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी मेरे प्यारे बच्चों सोगा इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं हुआ करता था गुड्स को लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही गुड्स का भी प्रोविजन था लेकिन फिर ट्रांजेक्शन गुड्स का धीरे धीरे करके इतना बढ़ने लगा और डिस्प्यूट बढ़ने लगा कि हम लोग को समझ में आ गया कि यार गुड्स का लेवा बेची के ऊपर गुड्स का खरीदा बेची के ऊपर एक अलग से फुलवियसली प्रोविजन रिलेटेड टू सेवन बाई इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्टी हंड्रेड एंड सेवेंटी टू गुड्स से ट्रांजेक्शन एंड लॉ मेकर्स रियलाइज देट देर इज अड इज अड इज अड

सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी वो जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइनटीन थर्टी फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइनटीन थर्टी सो सोगा बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइन हंड्रेड एंड थर्टी क्या यहबल इंडिया इंडिया फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइनटीन थर्टी एंड इट बी मेड एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया अब सबसे पहले सोगा के अंदर हम लोग को यह जानना है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है ठीक है सोगा के अंदर हम लोग को सबसे पहले क्या जानना है मेरे बच्चों कि आखिर वॉट डी बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है यार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है हां नरेंद्र मोदी तुम्हारे ऊपर ही चला रहे हैं ऐसे डिस्टर्ब करोगे बेटा तो बहुत खराब हो जाएगा चलो डिस्टर्ब मत करो बच्चों को बच्चों को पढ़ने दो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको पढ़ने दो ठीक है पढ़ने दो भाई पढ़ने दो चलो तो <coughs> तो अभी तक मैंने क्या बताया मैं फिर से 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 एक बार बता दे रहा के पहले जो थे वो contract act में ही लिखे हुए थे, but उससे काम नहीं चलता तो इसलिए वहां से थोड़ा -मोड़ा provisions हटाया गया रिलेटेड और बहुत सारा प्रोविजन नया बनाया गया और एक फ्लेजेड एक्ट सोगा 1930 इंप्लीमेंट कर दिया गया फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई 1930 फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई 1930 ओके okay? <coughs> अब मेरे बच्चों ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसका डेफिनेशन क्या है तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन क्या है ध्यान से सुनो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर कंसिडरेशन कॉल प्राइस it's a contract between two parties bilateral contract a Con concons a bilateral contract and Con the concons parties involved seller involved or buyer involved so it's a contract in which seller transfers or agrees to transfer seller transfers or agrees to transfer property in goods किसको प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू बायर फॉर अ अंसिडेशन कॉल्ड प्राइस सो इट्स अ बायलेटर कॉन्ट्रैक्ट यस इट इन टू पार्टी सेलर एंड बायर बिकॉज नोबड़ कैन बाई हिमसेल्फ इज गुड आप अपना ही सामान खुद नहीं खरीद सकते सो इट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज टू पार्टी सेलर एंड बायर हम पढ़ा नहीं है रिविजन चल रहा है तो ध्यान लगाओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन मेरे को बता दो फटाफट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई सेलर इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्ट इन गुड्स टू बायर फॉर अ कंसीडरेशन कॉल्ड प्राइस इज इंट इट सो इट्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई टू ट्रांसफर कर देता है ना सेलर ट्रांसफर कर देता है ना इसको सेल बोलते हैं और अग्रीज टू ट्रांसफर जब बोलता है ना तो अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं ठीक है ये देखो अगर बोला जाएगा कि सेलर ने क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया ओ भाई सेलर ने क्या कर दिया सेलर ने ट्रांसफर कर दिया तब तो वो सेल हो जाएगा और अग्रीज टू ट्रांसफर कर रहा है तो वो एग्रीमेंट टू सेल 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 है सो अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट 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 ऑफ ऑफ का डेफिनेशन सीख लिया अ इन सेलर से ट्रांसफर यानी सेल या फिर अग्रीज टू ट्रांसफर यानी अग्रीमेंट टू ट्रांसफर अग्रीमेंट टू सेल या तो सेलर ट्रांसफर यानी सेल या फिर अग्रीज टू ट्रांसफर यानी अग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी ओनरशिप ऑफ द गुड टू बायर फॉर कंसिड्रेशन कॉल प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेल भी आएगा क्योंकि ट्रांसफर लिखा हुआ है और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर मतलब एग्रीमेंट टू सेल भी आएगा सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ना इट्स अ ब्रॉडर टर्म बिकॉज इट इंक्लूड सेल आल्सो एग्रीमेंट टू सेल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दो चीज आएगा सेल भी आएगा एंड अग्रीमेंट टू सेल भी आएगा सेल भी एंड अग्रीमेंट टू सेल भी सेल में क्या होगा पूरा सेम डेफिनेशन खाली अग्रीस टू ट्रांसफर हटा देना देखो कॉन्ट्रैक्ट सेल क्या है कॉन्ट्रैक्ट है वेर बाई से ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गो टू प्राइस

बताओ मेरे को फटाफट बताओ वंस वी ब्रेक डाउन द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफ वी ब्रेक डाउन द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वी गेट फोर इंपॉर्टेंट फीचर्स ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन को अगर छन करके करके बिखर आएंगे चार इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन तो क्लियर है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर कंसिडरेशन कॉल प्राइस तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सबसे पहला फीचर क्या है इसका इट्स अ अटरल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सबसे पहला फीचर है इट इस बाई लेटरल कॉन्ट्रैक्ट वाई बाईलेटर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व टू पार्टी सेलर एंड बायर बिकॉज नोबड़ी कैन बाई हिमसेल्फ हिज गुड कोई अपना माल खुद थोड़ी ना खरीद सकता है नोबड़ी कैन बाई हिमसेल्फ हिज गुड्स ओके नो बड़ी कैन बाई हिमसेल्फ हिज गुड्स है ना कोई अपना माल खुद नहीं खरीद सकता भाई सिद्धार्थ बेटा पर्पस मत बोलो यहां पर पर्पस क्या वो मत बोलो बेटा <coughs> ध्यान लगाओ बेटा सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फटाफट बता दो यार फटाफट बता दो फटाफट बता दो क्या है ये बायलैटरल बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हाई बिकॉज इट इनवॉल्व्स टू पार्टी सेलर एंड बायर यहां पर क्या होने वाला है ट्रांसफर के अग्रीज टू ट्रांसफर सर दोनों कवर है सर सर यहां तो ट्रांसफर और अग्रीमेंट टू ट्रांसफर दोनों कवर है यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेल भी कवर्ड है एंड अग्रीमेंट टू सेल भी कवर्ड है है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेल भी कवर्ड है एंड अग्रीमेंट टू सेल भी कवर्ड है अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे को फटाफट डिफरेंसेस बता दो सेल और एग्रीमेंट टू सेल का चलो मेरे से चैट करो सेल <coughs> और एग्रीमेंट टू सेल का मेरे को फटाफट डिफरेंसेस बता दो मेरे से चैट करो कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स सेल में क्या होता है <coughs> जैसे हमने बताया था सेल में सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इन गुड्स ठीक है सेलर ट्रांसफर्स अ प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस मतलब ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर सेल में क्या होगा बताओ ओनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू बायर और क्योंकि सेल में ओनरशिप तुरंत बायर के पास चला गया गुड्स का अब अगर गुड्स को कुछ हो भी जाता है तो किसका नुकसान होगा ओनर का. ओनर का ओनर कौन है बायर तो रिस्क रिस्क किसका रहेगा बायर का लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा सेलर एज अग्रीड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड मतलब राइट नाउ ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर ठीक है ओनरशिप इज करेंटली ओनरशिप एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप करेंटली किसके पास रहेगा भाई सेलर के पास ही रहेगा ओनरशिप करेंटली किसके पास है सेलर के पास है फ्यूचर में बायर को ट्रांसफर होगा इसलिए रिस्क अभी क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल में क्या ओनरशिप अभी बायर को ट्रांसफर हुआ है नहीं सर एग्रीमेंट टू सेल में अभी बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है सेलर के पास ही है ओनरशिप यानी रिस्क भी किसके पास रहेगा फिर जो ओनर है अभी ओनर कौन है सेलर सेलर है है तो रिस्क भी के पास रहेगा सेल जो है ना वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट लेकिन एग्रीमेंट टू सेल जो है ना वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सेल का और एक नाम पता है लैटिन में क्या होता है जस्ट इन रैम सेल में राइट मिलता है जस्ट इन रैम यानी राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड जस्ट इन रैम यानी राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एग्रीमेंट क्लास में क्या पढ़े थे क्लियर <coughs> ना अच्छा अभी तक चार डिफरेंसेस सीख चुके हैं हम लोग सेल और एग्रीमेंट टू सेल का सेल में ओनरशिप बताओ सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर टू बायर

सेलर अगर डिफॉल्ट कर देता है तो क्या होगा ठीक है सेलर डिफॉल्ट कर देता है तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा और वैसे ही अगर बायर डिफॉल्ट कर देता है तब क्या होगा देखो सेलर <coughs> डिफॉल्ट कर रहा है सेलर डिफॉल्ट कर रहा है मतलब सेलर गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा है सेल के केस में ओनरशिप जा चुका है किसके पास ओनरशिप जा चुका है बायर के पास फिर भी सेलर उसको माल डिलीवर नहीं कर रहा है सेलर डिफॉल्ट कर रहा है मतलब माल डिलीवर नहीं कर रहा है बायर को इसका मतलब समझ में आ रहा है ओनरशिप किसका है सेल हो चुका है मतलब ओनरशिप किसके पास है बायर का मतलब तुम किसी और का गुड्स अपने कब्जे में रख रखे हो समझ रहे हो बायर के पास ओनरशिप है बट फिर भी बायर का ओनरशिप होने के बावजूद भी तुम माल नहीं दे रहे तो अगर सेलर डिफॉल्ट कर रहा है तो बायर कैन सेलर बायर कैन सी सेलर फॉर गुड्स एंड डैमेजेस बोथ बायर जो है ना सेलर को सी कर सकता है फॉर गुड्स एंड डैमेजेस बोथ फॉर गुड्स एंड डैमेजेस बोथ और अगर मान लो से फॉर एग्जाम्पल बायर डिफॉल्ट कर दे रहे सेल के, के में हम लोग पहले सीख ले रहे हैं बायर डिफॉल्ट कर दे रहे मतलब बायर प्राइज नहीं दे रहा है ना बायर अगर नहीं दे रहा है तब सेलर कैन सी सेलर कैन सी फॉर प्राइज क्योंकि सेल हो चुका है प्राइस एंड डैमेजेस बोथ लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ना चाहे सेलर डिफॉल्ट करे चाहे बायर डिफॉल्ट करे मान लो एग्रीमेंट टू सेल में एग्रीमेंट टू सेल में सेलर जो है वो मना कर दिया मुकर गया जो वादा किया वो नहीं निभाएंगे सेलर बोल रहे अग्रीमेंट टू सेल हुआ था लेकिन अब नहीं बेचेंगे बायर कर सकता है कर तो सकता है लेकिन खाली डैमेजेस के लिए गुड्स के लिए नहीं क्योंकि गुड्स तो सेलर का ही था ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुआ था सेलर के पास ही ओनरशिप था तो बायर कैन सेव अगर सेलर मना करते रहे टू सेल ब्रीच करते सेलर तो बायर सेलर को सी कर सकता ओनली फॉर डैमेजेस बायर कैन सी सेलर ओनली फॉर डैमेजेस फॉर डैमेजेस ओनली वैसे ही से फॉर एग्जांपल अगर बायर पैसा देने से मना कर दे रहा है बायर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर पैसा देने से मना कर दे रहा है हाँ तो ठीक है सेलर बायर से प्राइस के लिए शू नहीं कर सकता क्योंकि गुड्स तो अभी तक बेचा ही नहीं गया है तो बायर अगर मना कर दे रहा है तो फिर सेलर खाली डैमेजेस मांग सकता है सेलर कैन सी यू ओनली फॉर डैमेजेस मतलब एग्रीमेंट टू सेल के अंदर चाहे कोई भी ब्रीच करे डैमेजेस ही खाली रेमेडी है लेकिन सेल के केस में सेल के केस में भाई सेल हो चुका है सेल हो चुका है अब अगर सेलर ब्रीच कर रहा है सेलर अगर ब्रीच कर रहा है सेल के केस में सेलर ब्रीच कर रहा है बायर कैन सी द सेलर फॉर गुड्स एज वेल एस सेल में ओनली फॉर डैमेजेस मक्खन है सर एकदम मक्खन अब मान लो अगर इंसॉल्वेंट हो गया इंसॉल्वेंसी अगर हो गया अगर इंसॉल्वेंसी हो गया डजेंट मैटर मान लो फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंसी किसका सेलर का हाँ सर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया सर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया सर सेलर का दिवालिया निकल गया कोई दिक्कत नहीं है बायर कैन रिकवर द गुड्स बायर कैन रिकवर द गुड्स फ्रॉम सेलर यह बात पक्का है <coughs> और यहां पर रिकवर नहीं कर सकता एग्रीमेंट सेल में ही अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर हो गया बायर इंसॉल्वेंट हो गया सर सर बायर इंसॉल्वेंट हो गया बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया फिर भी सेलर हैज़ टू डिलीवर द है ओनर तो मतलब कौन है बायर अब मान लो इंसॉल्वेंट हो गया फिर भी सेलर को माल डिलीवर करना पड़ेगा तो ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द बायर ऑफिशियल रिसीवर जो कोर्ट अपॉइंट करता है जब भी कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है उस व्यक्ति के लिए

और यहां पर यहां पर अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है तो सेलर मना कर सकता मान नहीं देंगे आए हट, आए टीचर बायर ए फीचर बायर हट हट सेलर कैन रिफ्यूज सेलर कैन रिफ्यूज <coughs> ठीक है और डैमेजेस भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा क्लियर है सर सो ये आठ तो डिफरेंस किस किस के बीच में मेरे को बता दो सेलर एंड एग्रीमेंट हो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में फटाफट आ जाओ सेल के अंदर फटाफट एक बार फिर से देख लो यार कोई दिक्कत नहीं है बहुत समय है. <applause> सेल एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंसेस के केस में ओनरशिप तुरंत चला जाता है बायर के पास ओनरशिप इस ट्रांसफर इमीडिएटली टू द बायर एंड बिकॉज ऑफ ओनरशिप इज द बायर अलॉन्ग विद ओनरशिप ऑल्सो पासिस रिस्क of the goods to buyer, both ownership and risk is transferred to the buyer. But in agreement to sell, both remains with the seller. Sale sell is executed contract, agreement to sell is executory contract. In case of sale, right is given against the whole world, just in rem. But in case of agreement to sell, there is a right of just in personam, right only against a particular person, Pakka. फिर हम लोग बात कर लिए मेरे बच्चों, अगर default कर देता है, seller अगर default कर देता है, seller अगर default कर, कर दे रहा है, माल देने से मना कर दे रहा है, sale के केस में सेलर डिफॉल्ट कर दे रहा है बायर कैन सी द सेलर फॉर गुड्स एंड डैमेजेस बोथ बट एग्रीमेंट टू सेल में खाली डैमेजेस वैसे अगर बायर डिफॉल्ट कर दे रहा है बायर अगर डिफॉल्ट कर दे रहा है सेल के केस में बायर डिफॉल्ट कर दे रहे सेलर कैन सी दायर फॉर प्राइस एंड डैमेज बहुत बट एग्रीमेंट टू सेल में फॉर डैमेजेज वैसी अगर इनसॉल्वेंसी हो जा रहा है बायर या सेलर का डजन मैटर तुमको ट्रांजेक्शन तो जो है सेल के केस में कंप्लीट करना पड़ेगा लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में वो ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाएगा क्लियर है बेटा सो दीज आर द डिफरेंसेस हम लोग क्या पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हम लोग फीचर्स पढ़ रहे थे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का फीचर्स पढ़ रहे थे सबसे पहला फीचर क्या है मेरे को बता दो इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बताओ ना फटाफट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सबसे पहला फीचर क्या है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी होना चाहिए फिर दूसरा फीचर है ट्रांसफर एंड एग्रीमेंट टू ट्रांसफर बोथ आर कवर्ड यानी सेल एग्रीमेंट टू सेल बोथ आर कवर्ड फिर तीसरा इंपॉर्टेंट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया फीचर ट्रांसफर एग्रीमेंट टू ट्रांसफर सेल एग्रीमेंट टू सेल बहुत रिकॉर्ड हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है सब्जेक्ट मैटर इज गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गुड्स का गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तभी सोगा एप्लीकेबल होगा अगर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सोगा एप्लीकेबल नहीं होगा सो so, गुड्स होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर क्या है बताओ गुड्स सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होना चाहिए गुड्स होना चाहिए यहां पर सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स अब गुड्स का क्या डेफिनेशन है मेरे बच्चों ध्यान से सुन लो सेक्शन टू क्लॉज नंबर सेवन सेक्शन नंबर टू जी हां सेक्शन नंबर नंबर क्लॉज में गुड्स को डिफाइन किया गया है बोला गया गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ गुड्स का मतलब क्या है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अगर बिल्डिंग बेचा बाची हो रहा है बिल्डिंग खरीदा बेची हो रहा है लैंड खरीदा बेची हो रहा है तो वो सब तो लैंड बिल्डिंग ये सब तो इमूवेबल e है मतलब वो वो सोगा के कवर वो के अंदर अंदर नहीं होगा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रॉपर्टी गुड्स का मतलब यहां पर क्या है बेटा एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ movable property goods mean every kind of movable property except except actionable claim and money except actionable claim and money so goods mean every kind of mobile property except actionable claim and money but includes stock share growing crops grasses and other things attached to the land and other things attached to the land which have agreed, which have been agreed to be severed under the contract of sale. Samjha are Samjha right? right? attention every kind of movable property. Goods mean every kind of movable property. Except actionable, money, except actionable claim and money. Except actionable claim and money. except actionable claim and money. But includes. But includes. Stocks, shares, but include stock, shares, growing crops, grass, other things, other things attached and forming part of land, other things attached to and forming part of land which are agreed to be severed. Severed means separated.

एक्शनेबल क्लेम मतलब होता है कोई मान लो से फॉर एक्साम्पल मेरे को दस लाख रुपया राहुल से पाना है दे नहीं रहा बेटा मेरे को दस लाख रुपया राहुल से पाना है है डिस्प्यूटेड कोर्ट में केस चल रहा है मैं लाख रुपया पाता हूं राहुल से डिस्प्यूटेड क्लेम है 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 कोर्ट में केस चल रहा है. ठीक आई एम कॉन्फिडेंट आई विन द केस बट यार मेरे को अर्जेंट पैसा का दरकार है तो मैं ना राज के पास गया मैं राज को समझाया कि देख केस अपने जीत जाएंगे दस लाख रुपया मेरे को राहुल से मिलेगा बट मेरे को अर्जेंट अभी पैसा का दरकार है तो यार राज सुनना आई हैव अ राइट टू रिसीव

तो ये एक्शनेबल क्लेम होता है ये transfer किया मनी मूवेबल है ये है। अरे यार इससे ज्यादा मोवल चीज नहीं होगा आज तुम्हारे पास कल किसी और के पास कल किसी और के पास मनी से ज्यादा मोवेबल चीज कुछ नहीं होगा भाई मनी से ज्यादा मोवेबल चीज कुछ नहीं होगा समझ में आया मनी से ज्यादा मोहबल चीज कुछ नहीं होता भाई तो मनी बहुत ज्यादा मोहबल है हेमंत यू आर रॉन्ग बेटा सो मनी जो है ना उससे ज्यादा मोवल चीज कुछ नहीं होता मनी मोबल है हाँ है क्या मनी गुड्स है नहीं गुड्स नहीं है मनी मोबल है हाँ मोबल तो है लेकिन क्या मनी गुड्स है नहीं गुड्स नहीं रखा गया क्यों नहीं रखा गया समझो आज मैं से फॉर एग्जांपल तुम्हें यह पेन देता हूं क्या ये मोबल है बिल्कुल मोबल है ये पेन मोबल हाँ मोबल है मोबल है तो गुड्स है हाँ गुड्स है तो मैंने ये तुम्हें पेन बेचा अब बदले में अगर तुम मेरे को मनी दे रहे हो जो कि मोवेबल है और अगर मनी मोवल है तो वो भी अगर गुड्स मान लिया जाए तो मैंने तुम्हें पेन दिया यानी गुड्स तुमने मुझे मनी यानी mobile, यानी गुड्स गुड्स दिया तो के बदले में गुड्स तो बाटर सिस्टम हो जाएगा गुड्स के बदले में गुड्स तो बाटर सिस्टम हो जाएगा भाई फिर तो सोगा नहीं बाटर सिस्टम हो जाएगा इसीलिए बोला गया कि गुड्स के अंदर सारा मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा मनी नहीं आएगा मनी मोवल है लेकिन गुड्स नहीं है ठीक है तब हम तुमको पेन दे रहे हैं गुड्स और तुम मेरे को मनी दे रहे हैं जो कि गुड्स नहीं है तो ये बाटर सिस्टम नहीं माना जाएगा समझ में आ गया सर सो गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ होल्ड प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड्स गुड्स के अंदर स्टॉक शेयर ये सब आएगा ग्रोइंग क्रॉप अरे ग्रोइंग क्रॉप ग्रासेस नहीं समझ में आता आता है सर आता है सर ये रहा सर ग्रोइंग क्रॉप ये रहा लैंड ग्रोइंग क्रॉप ग्रासेस ठीक है अदर थिंग्स सर क्या बनाया सर मजाक मत थोड़ा आर्टिस्ट नहीं जो है समझ जाओ ग्रोइंग ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रासेस एंड अदर थिंग्स ट्रीज वगैरह हो गया विच आर अटैच टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है ना आर दिटैच टू एंड फॉर्मिंग ट्री हवा में तो नहीं उड़ेगा ना तो अटैच टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्री टू बी सीवियर्ड अग्री टू बी सीवियर्ड मतलब सेपरेटली आइडेंटिफाइड टू बी सीवियर्ड मतलब सेपरेटली आइडेंटिफाइड मान लो से फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला ये जमीन ये जमीन ये जमीन में तुम्हें बेचूंगा सिक्सटी लाख ,00 में ये जमीन लैंड तुम्हें बेचूंगा ,00 में लेकिन उसके ऊपर चालीस लाख में बेचूंगा साठ लाख ,00 ,00 में मतलब आई हैव सेपरेटली आइडेंटिफाइड द वैल्यू ऑफ दिस क्रॉप ग्राड अदर थिंग टू द लैंड तो ये जो क्रॉप ग्रासेस ये मैंने सीवियर किया किया तब यह सोगा के अंदर आ जाएगा और ये लैंड वाला चला जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लेकिन अगर मैंने सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं किया ग्रोइंग क्रॉप ग्रासेस थिंग्स वगैरह को और मैंने बोल दिया ये सब ले जाओ सोलक में मैं तुम्हें सब सोलक में भेज दूंगा मत पूछो जमीन का कीमत कितना होगा होगा इसका कीमत कितना सब ले जाओ सोलक में तब फिर ये सब गुड्स नहीं माना जाएगा ये पूरा का पूरा का ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गवर्न हो जाएगा मक्खन सर पूरा क्लियर है सर सो so गुड्स का डेफिनेशन दिमाग में बैठ चुका होगा गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट Actionable claim and money, but includes stocks, shares, growing crops, grasses, growing crops, grasses, and other things, but include stock shares, growing crops, grasses, and other things attached to and forming part of the land. But they are agreed to be, if they are agreed to be, severed before the contract of sale, if they are agreed to be severed under the contract of sale or before the actual sale is made. मतलब अगर आप इनको सेपरेटली आइडेंटिफाई करोगे और बेचोगे तब ये गुड्स माना जाएगा जमीन के साथ बिना इनका अलग से वैल्यू आइडेंटिफाई किए जमीन भी ले जाओ ये भी ले जाओ सब ले जाओ सौ लाख रुपया में तब ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चला जाएगा ये सोगा में नहीं आएगा तो गुड्स का डेफिनेशन दिमाग में बैठ गया होगा गुड्स बीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनब क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड स्टॉक बट इंक्लूड स्टॉक शेयर ग्रोइंग क्रॉप ग्रेसेस एंड अदर थिंग्स अटैच टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और बिफोर द एक्चुअल सेल इज मेड फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल पढ़ रहे थे पहला वाला फीचर क्या था बताओ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ट्रांसफर एग्रीमेंट टू ट्रांसफर यानी सेल एग्रीमेंट टू सेल दोनों कवर्ड है सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए और फिर ना कंसिडरेशन क्या होना चाहिए प्राइस प्राइस मतलब समझ आ रहा है मनी

तुम समझ ना, अगर हम अनसर्टेन गुड्स का भी केस ले और अगर हम बायर को बोल रहे हैं हम सेलर को बोल रहे हम बायर हैं हम बायर है हाँ कंपनी का फोर्टी टू इंच का एलईडी टीवी दो तो क्या वो बनाएगा क्या बैठ करके कि ऑलरेडी बनाया हुआ होगा सर ऑलरेडी बनाया हुआ होगा उसके गुडाउन में होगा सर वो आपको जो है सिलेक्ट करके इन्फॉर्म कर देगा तो यही होता है अन गुड्स क्लियर है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बच्चोंटेन गुड्स सो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है

फ्यूचर गुड का कभी भी मेरे बच्चों सेल नहीं होता है हमेशा क्या होगा अग्रीमेंट टू सेल होगा सेल कैसे होगा रे गुड्स अभी है ही नहीं अग्रीमेंट टू सेल होगा कंटिन्यूट गुड्स क्या होता है सर कंटिन्यूट गुड्स वो गुड्स है द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर इज अनसर्टिन बायर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा बहुत दूर का पता है सेलर को ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो ठीक नहीं है द एक्विजिशन ऑफ विच

सर बहुत बढ़िया लगा सर सब कुछ क्लियर है इसका भी एग्रीमेंट टू सेल होता है इसका भी एग्रीमेंट टू सेल ही होता है स्पेसिफिक गुड्स का सेल भी हो सकता है एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है ठीक है और और गुड्स का भी क्या होता है? होता है ठीक है है एग्रीमेंट टू सेल ठीक क्योंकि अभी इन लोग राइट नाउ आइडेंटिफाई नहीं किया गया और स्पेसिफिक तो आइडेंटिफाइड था तो फिर सर इस ये सेल होता है एग्रीमेंट टू सेल हाँ बोल सकते हैं कि दस तारीख को बेचेंगे ये पेन हम तुमको दस तारीख को बेचेंगे आज नहीं बेचेंगे दस तारीख को बेचेंगे तो यार ये क्या हो गया यार दस को तो ये क्या हो गया बताओ एग्रीमेंट सेल हो गया क्लियर है तो केवल सब रिमेनिंग तो सबका अभी पढ़ा नहीं रहे रिविजन चल रहा है थोड़ा फास्ट बॉयज एंड गर्ल्स क्लियर है ना यहां तक क्लियर है क्लास में एक और अलग तरीके से समझाते थे बच्चे वो समझ चुके हैं हाँ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं चलो अभी अभी यहां तक के लिए काफी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एग्जिस्टिंग फ्यूचर कंटिन्य गुड्स ओके अब ध्यान से सुनो भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है का कंडीशन एंड कि कंडीशन क्या होता है और वारंटी क्या होता है बच्चों को इसमें दिक्कत आता है आज के बाद दिक्कत कभी नहीं आएगा ये वादा है आज के बाद दिक्कत कभी नहीं आएगा कंडीशन और वारंटी क्या होता है सुनो दोनों ही स्टिप्युलेशन है स्टिप्युलेशन यानी ऑब्लिगेशन

लेटरलेंशियल कंडीशन इतना बड़ा स्टिप्यूलेशन ऑब्लिगेशन है विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन इज सच स्टिप्यूलेशन यानी ऑब्लीगेशन ऑन द सेलर विच इज असेंशियल विच इज असेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज सच ए स्टिप्युलेन विच इज असेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच द ब्रीच ऑफ विच बाई सेलर द ब्रीच ऑफ विच बाई सेलर गिव्स राइट टू बायर द ब्रीच ऑफ विच बाई सेलर गिव्स राइट टू बायर गिव्स राइट टू बायर टू ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज रेपूडिएटेड द ब्रीच ऑफ विच बाई सेलर गिव्स राइट सेलर अगर ब्रीच कर दिया ना कंडीशन तो बायर भी कॉन्ट्रैक्ट से टाटा बाय बाय कर सकता है भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट भाड़ में गया बायर भी रेपोडिएट कर सकता है तुम सेलर अगर कंडीशन नहीं, नहीं भागेगा ना तो बायर damages, बायर कैन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस डैमेजेस और भी मांगेगा लेकिन वारंटी जो है ना वारंटी भी एक प्रकार का स्टिपुलेशन है यानी ऑब्लीकेशन है हाँ जी वारंटी भी एक प्रकार का स्टिपुलेशन यानी ऑब्लिकेशन है दैट इज कंडीशन तो एसेंशियल था ना वारंटी एक ऐसा स्टिपुलेशन यानी ऑब्लिकेशन है दैट इज लेटरल को लेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अगर ये ब्रीच हो भी गया ना तो बायर कॉन्ट्रैक्ट से टाटा वायवे नहीं कर सकता खाली डैमेजेस मांग सकता है वॉरंटी क्या को लेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट समझाएंगे क्या होता है पहले डेफिनेशन लिख दे रहे द ब्रीच ऑफ विच द ब्रीच ऑफ विच बाई सेलर

यार कंडीशन इतना बड़ा स्टिपुलेशन यानी ऑब्लिगेशन था यार कंडीशन इतना बड़ा स्टिपुलेशन ऑब्लिगेशन था विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो मेन पर्पस के लिए जरूरी था मतलब ये इतना बड़ा स्टिपुलेशन ऑब्लिगेशन है कि अगर तुमने ब्रीच कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रिज हो गया यह कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस है यही कॉन्ट्रैक्ट है कंडीशन ही कॉन्ट्रैक्ट है कंडीशन ही कॉन्ट्रैक्ट है मैं रेस्टोरेंट में गया रेस्टोरेंट में जाकर के बोला भाई मैं रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट में जाकर के बोला कि मुझे चाउमिन जो है वो ऑर्डर करना चाउमिन आया फुल ऑफ कॉकरोचेस तो चाउमिन तो नहीं आया फुल ऑफ था तो ये क्या हो गया ये हो गया आपका सेलर जो है वो ब्रीच कर दिया मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर अडा करके खा लीजिए ना तुम खा लेना हम नहीं खा सकते लेकिन चाउमिन मस्त आया जिस प्लेट में सर हुआ यार वो प्लेट थोड़ा सा टूटा फूटा था यार ये एसेंशियल पर्पस ब्रीच नहीं हुआ लेकिन को जो चार चांद लगाता है कॉन्ट्रैक्ट में को रिलेटेड टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल तुम मेरे यहां पर ट्यूशन पढ़ रहे हो सिलेबस नहीं कंप्लीट कराना ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा क्योंकि वही तो मेन था एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेकिन कभी कोई टेक्निकल इश्यू आ गया छोटा मोटा या फिर अगर आ करके पढ़ रहे थे और एसी नहीं चल रहा था तो यार वो सब को है चार चांद लगा था वो को है आप डैमेजेस मांग सकते हो वो ब्रिच ऑफ वारंटी में आएगा समझ में आ गया सर कि जो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि अगर सेलर वो पॉइंट मिस कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाता है तब तो वो कंडीशन है लेकिन चार चांद लगाने वाले बात चार चांद लगाने वाले बाद चार चांद लगाने वाले बात, बात कॉन्ट्रैक्ट को जो अच्छा और बनाते हैं वो ब्रीच हो जाए तो ठीक है चलता है खाली डैमेज मिलेगा बायर कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकता समझ में आ गया सर <coughs> राहुल गया कपड़ा का शोरूम में ए राहुल गया कपड़ा का शोरूम में कपड़ा खरीदने कपड़ा दिया उसको डिफेक्टिव क्वालिटी का पहनते ही उसको पूरा बॉडी में इचिंग चालू हो गया खुद मोड़ तक ही गया था कपड़ा हाथ में लेकर के लौटा दुकान के पास कपड़ा हाथ में लेकर के पहुंचा दुकानदार के पास राहुल ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है कि ब्रीच ऑफ वारंटी है कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन है रे बाबा क्या कपड़ा पहनने पर ऐसा इचिंग हो जाता है डिफेक्टिव क्वालिटी का गुड दे दिया ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है समझ में आ गया सर तो एक तरफ कंडीशन है और एक तरफ वारंटी है फटाफट मेरे को बता दोन पर्पस ऑफ दंडीशन इज सच स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ दैक्ट वॉरेंट इज स्टिपुलेशन विच इज को टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रेक्ट ये असेंशियल और ये को लेटरल ब्रीच ऑफ कंडीशन

ब्रीच ऑफ वॉरंटी बट ब्रीच ऑफ वॉरंटी नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन अरे ब्रीच ऑफ कंडीशन बड़ा गलती है ना ब्रीच ऑफ कंडीशन बड़ा गलती है ना सेलर ने कंडीशन नहीं निभाया बड़ा गलती है बड़ा गलती कभी कभार छोटा गलती माना जा सकता है और माफ किया जा सकता है मान लो बायर ही बोला नहीं नहीं ठीक है हम कॉकरोच हटा करके चाउमिन खा लेंगे ठीक है चलो कोई बात नहीं सो ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है तुम खाली डैमेजेस देना मेरे को ठीक है बायर रेपोडिएट करने का पावर रखता है बट जरूरी नहीं है कि बायर रेपोडिएट करे वो डैमेज से खुश हो सकता है सो ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में बायर अगर चाहे तो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी अगर हो रहा है तो क्या बायर बोलेगा बोलेगा बायर ऐसा भले ये ब्रीच ऑफ वारंटी है हम डिसाइड करते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं भाई छोटा गलती बड़ा गलती थोड़ी ना मान लोगे यार पॉकेट मारने का गलती है तुम उसको फांसी का सजा दे दोगे क्या छोटा गलती के लिए फांसी का सजा मर्डर मांग करके फांसी का सजा दे दोगे क्या लेकिन मर्डर में कभी कभार फांसी नहीं होकर के कम सजा हो सकता है सन में आ गया सर बड़ा गलती छोटा माना जा सकता है छोटा गलती बड़ा कभी नहीं माना जा सकता ये याद रखने का तरीका है <coughs> यह याद रखने का तरीका है भाई कि ब्रीच जो है, ब्रीच मेरे को बच्चों ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वॉरंटी कब माना जाएगा वेन बायर वेन बायर इलेक्ट्स बायर डिसाइड कर रहा है भले ब्रीच ऑफ कंडीशन है आई वुड स्टे इन कॉन्ट्रैक्ट आई वोट कॉन्ट्रैक्ट यू जस्ट गिवी डेलर सो वन बायर इलेक्ट्स या फिर जब कोर्ट या लॉ ठीक है लॉ एनी अदर लॉ या फिर कोर्ट में लिखा हुआ है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा बात कोर्ट में गया और कोर्ट बोला आए, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं ब्रीच ऑफ वारंटी मानो या फिर वन द कॉन्ट्रैक्ट इज इंडिविजिबल जब कॉन्ट्रैक्ट इनडिविज है और बायर थोड़ा मजा कॉन्ट्रैक्ट का उठा लिया है कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजल है और बायर थोड़ा मजा बेनिफिट उठा लिया कॉन्ट्रैक्ट का तब फिर रेपोडिएट uh, नहीं किया जा सकता खाली डैमेज मिलेगा सो वैन बायर या फिर वैन कोर्ट वांट्स, या फिर वारंटी in जो होता है ना ये एक्सप्रेस भी हो सकता है दोनों कंडीशन वारंटी एक्सप्रेस भी हो सकता है इंप्लाइड भी हो सकता है एक्सप्रेस भी हो सकता है इट कैन बी एक्सप्रेस आल्सो इट कैन बी इंप्लाइड आल्सो एक्सप्रेस मतलब बायर और सेलर बायर और सेलर ओरली या राइटिंग में डिसाइड किए कि ये कंडीशन है ये वारंटी है ये कंडीशन है ये वॉरंटी है दे हैव एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स आइदर ओरल और इन राइटिंग दे हैव डिसाइडेड द कंडीशन वारंटी वॉरंटी हो गया एक्सप्रेस इंप्लाइड इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वॉरंटी जो है ना लॉ में लिखा हुआ है

कंडीशन एस टू टाइटल यार ये इंप्लाइड कंडीशन है यार ये सब कौन निभाएगा सेलर निभाएगा कंडीशन एस टू टाइटल मतलब क्या होता है इट इज एन इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड कंडीशन डेट द सेलर हु इज सेलिंग द गुड्स इज द ओनर ऑफ दोस गुड्स चोरी का माल तो नहीं बेच रहा है ना डू यू एक्सपेक्ट बायर टू गो एंड आज द सेलर बायर क्या है जाकर के पूछेगा क्या सेलर को नहीं तो ये इंप्लाइड है ये बोलने का दरकार नहीं है ये आपस में एग्री करने का दरकार नहीं है ये एम्प्लाइड है कि सेलर चोरी का माल नहीं बेचेगा बायर को खुद का माल बेचेगा चोरी का माल नहीं बेचेगा अब मान लो कल को पता चला कि सेलर ने चोरी का माल मेरे को दे दिया था अब जाकर के मैंने बोला यार ये तो पता है चला चोरी का है पुलिस मेरे घर में आया तो वो हम रसीद तो दिखा दिया कि तेरे से खरीदे सामने हैं सामने वाला बोल रहा है तो तुमने मेरे को बोला था क्या कि चोरी का माल मत बेचना तो क्या आपसे बायर लोग जाकर के ये बोला करेगा ऐसा माल बेचो जो चोरी का नहीं है नहीं यार हाउ इज इट पॉसिबल ऑन अर्थ जाते हो क्या बोलते हो कोने में लेकर चलो जहां पर तुम्हारा खुद का माल है चोरी का माल नहीं है मेरे को चोरी का माल मत भेजना है, है। चोरी कमाल तो बायर ये क्या कंडीशन एज टू टाइटल योग्या कंडीशन एज टू टाइटल फिर आते सेल बाई सेल बाई बेटा सब रिविजन होगा शांति से सुनते चलो जो जो चल रहे हो वो शांति से सुनते चलो खत्म नहीं हुआ अभी चल रहा है समझ में आ गया सर समझ में आया डिस्टर्ब मत करो हेमंत तो सेल भाई ये क्या हो गया टाइटल हो गया दूसरा सेल बाई सैंपल सेल बाई चीज का सैंपल मान लो हम सेलर है हम सेलर है ठीक है हम सेलर है दोस्तों और से फॉर एग्जांपल मैंने इसका सैंपल दिखाया सेलर और मैंने बताया मैं ये मोबाइल का सैंपल दिखाया कैसा लगा सर आपको बायर कैसा लगा बायर बोला सैंपल बहुत तो अच्छा लगा दस टो पीस ऑर्डर कर दो तो। मैंने सैंपल दिखाया इस मोबाइल का और दस टो पीस मैंने ऑर्डर जो दस टो पीस ऑर्डर करना था ना जो बायर ने मेरे को बोला दस टो पीस भेज दो मैंने दस पीस भेज दिया नोकिया इलेवन हंड्रेड जो पुराने जमाने का था ना वो मेरे पास स्टॉक किया हुआ था नोकिया इलेवन हंड्रेड बाहर भड़क गया अब मैं बायर को बोल रहा हूं हाँ, तो तुमने ये थोड़ी ना बोला था कि सैंपल जैसे ही होना चाहिए सैंपल दिखाया था कि मैं ये भी बनाता हूं तुमने बोला दसू में भेज दिया नहीं बायर से नहीं बोलेगा ये इंप्लाइड है कि अगर तुम सैंपल दिखाया है सेलर सैंपल दिखाया है गुड्स शुड कॉरस्पोंड विद ओरिजिनल सैंपल इट इज एन इंप्लाइड कंडीशन द गुड्स सोल्ड बाई द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल शुड ओरिजिनल सैंपल ये इंप्लाइड है अच्छा <coughs> मान लो से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो सैंपल दिखाया उसका स्क्रीन ऊपर से टूटा हुआ था मैंने जो सैंपल दिखाया उसका स्क्रीन ऊपर से टूटा हुआ क्या बायर कॉन्ट्रैक्ट रेपोडिएट कर सकता है क्वेश्चन में बोला दस पीस दे दो मैंने जो उसको दस पीस जो मैंने दिया पूरा सैंपल जैसे दिया दस टो पीस का स्क्रीन वैसे ही टूटा हुआ था क्या बायर रेपोडिएट कर सकता है बताइए ये सो नो येस और नो में जवाब दो क्या बाय रे, रे, रेपूडिएट कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को मोहम्मद अभ्यम इन लोग नो बोल रहा है नीतीश सोनक नो बोल रहा है रोहन नाइसली एक्सप्लेन सर लव 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 थैंक यू नीतीश शिष्टि श्रुति हर्ष ओम अनामिका ईशिता सब नो बोल रहा है सब नो सब नो बोल रहा है अरे प्रूफ तो कोर्ट में किया जाएगा यार अबे यार तुम जबरदस्त लॉ पढ़ रहे हो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई मर्डर हो गया मैं तुम्हें लॉ पढ़ा रहा हूं कि मर्डर हो गया मर्डर का सजा फांसी है तुम बोल रहे हो प्रूफ कैसे होगा में किसी को हम ठोक दे प्रूफ कैसे होगा लॉ पढ़ रहे हो बेटा सारे बच्चे ही नो बोल रहे हैं स्नेहल स्नेहल ने पढ़ाई ठीक से नहीं कर रखा है सुरेंद्र पलश शवनी अमन इन लोग यस बोल रहे हैं इन्होंने पढ़ाई ठीक से नहीं किया धर्मेंद्र यस बोल रहे हैं और मैं इसका जवाब दे दो मैं इसका जवाब दे दो बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट रेपोडिएट नहीं कर सकता डेमेजेस भी नहीं मांग सकता क्योंकि सेलर का कोई गलती नहीं है सेलर ने अगर सैंपल दिखाया था जिसका स्क्रीन टूटा हुआ था डिफेक्टिव था हाँ डिफेक्टिव था ऐसा डिफेक्ट था विच ऑन द रीजनेबल एग्जामिनेशन ऐसा डिफेक्ट था जो कोई अंदरूनी डिफेक्ट थोड़ी ना था ये तो ऐसा डिफेक्ट था विच ऑन द रीजनेबल एग्जामिनेशन बाय द दायर कुड़े बिन असर्टेन बाय द बायर इफ द सैंपल इज हैविंग इफ द सैंपल इज हैविंग सम है which on the reasonable examination can be easily ascertained by the buyer and if the goods and if the goods are also having those same defect buyer cannot repudiate the contract because we already showed the sample and the defects were clearly visible and buyer approved the sample now if the goods are also having the same defect which on the reasonable examination could have been easily ascertained by the buyer then buyer cannot repudiate the contract buyer cannot repudiate the contract लेकिन मान लो कोई अगर सैंपल में अंदरूनी डिफेक्ट होता अंदरूनी डिफेक्ट अंदर में मोबाइल के सॉफ्टवेयर में कुछ अंदरूनी डिफेक्ट है बाबा सिस्टम सॉफ्टवेयर एकदम करप्ट है और गुड्स में भी वही अंदरूनी डिफेक्ट है तब बायर रेपोडिएट कर सकता था बिकॉज ये डिफेक्ट ऐसा था विच ऑन द रीजनेबल एग्जामिनेशन कुड नॉट बायर ओरिजिनल गुड्स में भी अगर सेम डिफेक्ट है बाद में पता चला तो बायर गुड्स को रेपोडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को रेपोडिएट कर सकता है एतराज मूवी वाला एक्साम्पल बताए थे यहां पर एतराज मूवी वाला

अगर बायर आता है सेलर के पास और वो अपना इच्छा बता देता है पर्पस बता देता है बायर आता है सेलर के पास और पर्पस बता देता है कि उसको गुड्स क्यों चाहिए और सेलर का वही प्रकार का धंधा है देन सेलर इज हैजमेंट

उसको हॉट वाटर बैग चाहिए था राहुल के भाई बीमार है हॉट वाटर बैग चाहिए था राहुल भागा भागा गया केमिस्ट शॉप में हॉट वाटर बॉटल कोल्ड वाटर बॉटल सब था और वो जाकर के बता भी दिया भाई कि मेरे को अपनी बीवी के लिए हॉट वाटर बैग चाहिए ठीक है और हॉट वाटर बैग इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ बीमार है ठीक है तो हॉट वाटर बैग चाहिए और सेलर का उसी प्रकार का धंधा है सेलर बदमाशी कर गया ऐसा घटिया बैग दे दिया जिसमें गर्म पानी डालते ही गर्म पानी डालते ही बैग बस्ट हो गया वाइफ ने जैसे ही गर्म पानी डाला घर में बैग बस्ट वाइफ भी बस्ट अब आ रहा है राहुल को गुस्सा राहुल गया दुकानदार के पास और सीओ कर दिया क्या कर सकेगा हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी रेपोडिएट कर सकेगा और यहां तो अच्छा खासा डैमेजेस भी मिलेगा भाई क्लियर है सर डैमेजेस कौन डिसाइड करता है वो तो कोर्ट डिसाइड करता है लेकिन यही राहुल अगर हॉट वाटर बैग टीवी का दुकान के पास चला जाता टीवी वाला के पास चला जाता टीवी टीवी का का दुकान के के पास बोलता बोलता शोरूम में जाकर के बोलता, मेरी बीवी को गरम पानी बैग चाहिए तो फटाफट मेरे को एक बोतल दे दो तो जिसमें हम गरम पानी डाल सके टीवी वाला एक मिनरल वाटर दे दिया बोटल बस्ट हो गया इस बार वो टीवी वाला को सू नहीं कर सकते क्योंकि उसका वो धंधा ही नहीं था रे बाबा तुम्हारा गलती है राहुल ऐसा जगह जाओ जहां पर जिस प्रकार का उसका धंधा है क्लियर है सर मर्चेंटेबल क्वालिटी और होलसमनेस ऑलमोस्ट सेम होता है खाने पीने की चीजों का क्वालिटी बढ़िया रहना चाहिए खाने पीने का चीज सड़ा हुआ क्या सेलर और बाहर जाकर के क्या बोलेगा क्या अच्छा क्वालिटी का देना नहीं बोलेगा इट्स कंडीशन कि अगर तुम खाने पीने का चीज बेच रहा है होलसमनेस होना चाहिए उसके अलावा खाने पीने की चीजों के अलावा जो बेच है वो मर्चेंडेबल क्वालिटी होना चाहिए जैसे याद है अभी थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल दिए थे सेलर ने एक ऐसा कपड़ा दे दिया सेलर ने एक ऐसा कपड़ा दे दिया कि राहुल मोड़ तक ही गया था वो कपड़ा पहन करके उसको इचिंग हो गया और वापस आया कपड़ा हाथ में लेकर के तो क्या कपड़ा पहनने से डिफेक्टिव क्वालिटी का कपड़ा था ना तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ वर्सेंडेबल क्वालिटी है बिल्कुल डैमेजेस भी भी मिलेगा कर सकेगा लेकिन मान लो अगर कपड़ा सही था कपड़ा में कोई डिफेक्ट नहीं था राहुल का बॉडी में डिफेक्ट था उसको कॉटन से एलर्जी था और उसने बताया भी नहीं था राहुल को कॉटन से एलर्जी था उसने दुकानदार को बताया भी नहीं था तब इसमें सेलर का कोई गलती नहीं है तब बायर ही भुगतेगा लेकिन अगर राहुल ने शोरूम में बता दिया होता कपड़ा वाले शोरूम में कुछ भी देना कॉटन का कपड़ा मत देना कॉटन से एलर्जी है फिर भी दुकानदार ने मस्ती करने के लिए उसको कॉटन का कपड़ा दे दिया और फिर से कपड़ा हाथ में लेकर के राहुल मोड़ से वापस आया तब तो यार ये ये वाला पॉइंट हो गया ना क्वालिटी फिटनेस वाला ब्रीच ऑफ क्वालिटी एंड फिटनेस वाला हो गया ना ब्रीच ऑफ क्वालिटी फिटनेस वाला हो गया ना क्योंकि बायर ने तो अपना पर्पज बता दिया था सारा डिस्क्लोज कर दिया था होलसमनेस तो खाने पीने वाला यार

हम लोग आ जा रहे हैं इंप्लाइड वारंटीज के अंदर अब हम लोग आ जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों इंप्लाइड वारंटीज के अंदर भाई इंप्लाइड वारंटीज के अंदर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बॉस एंड गर्ल्स वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट आ जाइए यहां तक का क्लास कैसा लग रहा है मेरे को बता दो मेरे प्यारे बच्चों सब बढ़िया सब बढ़िया बेटा यहां तक असम awesome. यहां तक बढ़िया लगा ना चलो <coughs>

सेलर उसका पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं इसका जबरदस्त एग्जांपल देता हूं है ना? कुछ डिफेक्ट है ऐसा न्यूज में भी सुनते हो हर कंपनी में होता है मारुती होंडा होंडाई तो इन लोग बीच बीच में अपना गाड़ी को रिकॉल करता है गाड़ी को क्या करता है रिकॉल कि भाई थोड़ा सा इंजन में दिक्कत है तो गाड़ी को रिकॉल कर रहा है अब होंडा वाले ने क्या किया

I want an undisturbed position, but you are disturbing my position. So I can claim damages from you. मतलब एक महीना के लिए या तो मेरे को अल्टरनेटिव गाड़ी दे दो या फिर मेरे को भाड़ा दे दो एक महीना का गाड़ी का जो हम दूसरा अब हम दूसरा गाड़ी भाड़ा पे लेंगे तो वो मेरे को भाड़ा तुम कंपेंसेट करो ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है ऐसा होता है मैंने खुद किया है मेरा था होंडाई वाला तो होंडाई वाला गाड़ी जो है ना रिकॉल किया था मेरा तो मैंने उसे एक महीना का डैमेजेस लिया था कितना मेरे को याद नहीं है दस साल पहले का है Clear, clear, clear. बेटा कुछ नहीं छुटा है आशुतोष कंट्रोल बेटा अभी चल रहा है ना सेल सेल बिलमेंट सब बता देंगे तो हो गया. मतलब चार्ज गिरवी किया हुआ माल नहीं बेचो मेरे को सेलर गिरवी किया हुआ माल अगर बेच देता है ना सेलर गिरवी किया हुआ माल मेरे को बेच दिया ना अब बैंक से रोज रोज फोन आता है ये गुड्स ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे गुड्स

तुम्हारा है ये सारा कंडीशन एंड वारंटी लेकिन यार यार फिर बोलता है लेट द बायर बायर बी वेयर, अगर गुड्स खरीद रहा है, तो बायर को अपना आंख नाक कान मुंह खोल करके गुड्स को अच्छे से इंस्पेक्ट करके खरीदना चाहिए यार. Wrong choice, wrong मैं जाकर के से फॉर एग्जाम्पल मैं शोरूम में गया और अपनी वाइफ के लिए जो है से फॉर एग्जाम्पल ले ले लिया, लिया. लिया, ठीक है अब अब मैंने, मैंने मैं बायर मैं सेलर से जाकर के, शोरूम से high ले लिया, अब मेरी बीवी को हिल्स का 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 पसंद नहीं आया. मैंने red कलर का लिया, उनको black कलर का चाहिए था तो मैं जाकर के बोल रहा हूं यार आई मेड अ रॉन्ग चॉइस प्लीज रिप्लेस द सेलर के ऊपर है मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता और मैं ही नहीं बोल सकता नहीं मेरी बीवी को पसंद नहीं आया मैं को करूंगा, damages, कुछ नहीं मिलेगा लेट बी वेयर यार मेरा गलती है यार सर लेकिन ऑफ एंडलो कर देता है क्योंकि उन लोग का रिप्लेसमेंट का वारंटी होता है उन लोग एक्सप्रेसली पहले ये नहीं बताया था क्लियर लेट दी वे शुड दिलर सफर लेट बायर बी वेर बट ये रूल ऑफ केवीडर का है. अरे जो इंप्लाइड कंडीशन पड़ा ना वही सारा केविट एंडर का एक्सेप्शन क्या बोल रहे

कि स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है बॉयज एंड गर्ल्स पासिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स आ जाइए आ गए सर आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए सुनो अब ध्यान से बहुत ध्यान से सुनना ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में हाँ यहीं पर आएगा नॉन हैबिट तुम्हारा फेवरेट नॉन हैबिट सबसे पहले पासिंग ऑफ ओनरशिप अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के अंदर पासिंग ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स पासिंग ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स तो देखो ऐसा है अगर स्पेसिफिक गुड्स है या फिर असर्टेन गुड्स अगर असर्टेन हो चुका है तो स्पेसिफिक बनी गया जैसे मान लो से फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि आ, ये मोबाइल मैं तुम्हें बेचूंगा ये मोबाइल मैं तुम्हें बेचूंगा यह स्पेसिफिक गुड्स है और इसका ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा ये मोबाइल मैं तुम्हें बेचूंगा ये स्पेसिफिक गुड्स है इसका ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा इमीडिएटली स्पेसिफिक गुड्स का ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है इफ दे आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट इफ दे आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट और मैंने बोल दिया इसका कोई डब्बा उब्बा नहीं है मेरे पास बॉक्स नहीं है ऐसे ही बेचेगा मतलब यह डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया बाहर के पास अब बायर बायर मेरे को बोला ठीक है ठीक है मोहित सर आप इसको रखिए एक एक बार के लिए रखिए ना मोहित सर मैं ना सामने दुकान से पान चबा करके आ रहा हूं बायर बोला बायर सामने फुट पर गया पान चबाने तब तक जो है मेरे दुकान में साइड में आग लगा और उसका मोबाइल स्वाहा सेलर के शुरू में आग लगा और उस बायर का मोबाइल स्वाहा <tellk> अब बायर पान चबा करके आया और बोला गुड्स कह बोलिए

तुम्हारा गलती है मैंने थोड़ी ना कुछ इसको नुकसान पहुंचाया अपने आप आग लग गया हो गया भाई तो बायर का ये नुकसान है मैं तो भाई बायर से पूरा रुपया वसूलूंगा सर लेकिन अगर आप ही ने इसको तोड़ फोड़ दिया तो तब बायर मेरे को बात है, केस कर सकता है क्लियर है, तो है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है ठीक है और अगर डिलीवरेबल स्टेट में अभी नहीं है कुछ वजन वगैरह करना है वेइंग करना है या बॉक्स में पैक करना है हाँ तो जब तक वो वजन या बॉक्स में पैक नहीं हो जाता तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा क्लियर है सर क्लियर है अनअसर्टेन गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है ध्यान से सुन लो व्हेन द गुड्स हैव है अन असर्टेन गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है अन असर्टेन गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता भाई अन असर्टेन गुड्स अन असर्टेन गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है अनसर्टेन गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है अनसर्टेन क्या था जो गुड्स मैंने डिस्क्राइब किया था मान लो बायर जो है ना बायर मान लो मैं बायर हूं मैंने टीवी का शोरूम वाला को फोन किया और बोला मेरे को सोनी का 42 इंचेस का एलईडी टीवी जो है वो चाहिए ये अनसर्टेन गुड्स हो गए अब इसका ओनरशिप मेरे कब मेरे ऊपर कब ट्रांसफर होगा व्हेन द गुड्स हैव मतलब सेलर ने मेरा डिस्क्राइब किया हुआ गुड्स को आइडेंटिफाई किया सेलर ने मेरा डिस्क्राइब किया हुआ जो मैंने गुड्स डिस्क्राइब किया था सेलर ने उसको आइडेंटिफाई किया आइडेंटिफाई करने के साथ सेपरेट भी किया सेलर ने आइडेंटिफाई किया आइडेंटिफाई किया और क्या किया सेपरेट किया डिलीवरेबल स्टेट में कर दिया आइडेंटिफाई सेपरेटेड पुट इन द डिलीवरेबल स्टेट एंड इनफॉर्म बायर एंड बायर अग्रीड इनफॉर्म द बायर एंड बायर अग्रीड ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड अब मैं जब माल शोरूम में लेने जा रहा था आग लग गया माल जब मैं शोरूम में लेने जा रहा था आग लग गया तो मेरा नुकसान होगा क्लियर है सर गुड गुड सेंट सेंट ऑन ऑन अप्रूवल अप्रूवल अरे समझ में आता ना ना मैंने बायर को माल दे दिया और बोला तुम रखो ना यार एक महीना का अप्रूवल पीरियड है एक महीना तुम रखो नहीं समझ में तो एक महीना बाद मेरे को लौटा देना इसका ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा जब अप्रूवल पीरियड खत्म होने के पहले ही बायर ने कंसेंट दे दिया अप्रूवल पीरियड खत्म होने के पहले ही बायर ने क्या दे दिया हा कंसेंट

मो डैट क्वाड नॉन हैबिट बोलो 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 भाई नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट मतलब क्या होता है नोबड़ी कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव नोबड़ी कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव है नॉन ओनर कैन नॉट ट्रांसफर ओनरशिप यानी ओनली ओनर ऑफ द गुड्स कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स

क्या कंसाइनी के पास ओनरशिप है कंसाइनी के पास ओनरशिप नहीं है बट वो एजेंट है मतलब बिजनेस एजेंट है। तो कंसाइनी क्या थर्ड पार्टी को माल बेच सकता है बिल्कुल लेकिन चोरी की है माल तब वो ट्रांसफर नहीं कर सकता लेकिन अगर वो रेगुलर मेरा बिजनेस एजेंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसके पास गुड्स आए और वो बेच रहा तो है थर्ड पार्टी को क्या एजेंट ओनर है ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है वैसे सेल बाई वन ऑफ द जॉइंट ओनर अरे मान लो हम और राहुल दोनों ज्वाइंट ओनर है मैं और राहुल दोनों ज्वाइंट ओनर है तो अगर कोई भी एक ज्वाइंट ओनर बेच रहा है तो ओनरशिप ट्रांसफर तो हो जाएगा सेल सेल पर्सन पर्सन अंडर अंडर वॉयडेबल वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मान लो फॉर मैंने राहुल को डरा धमका करके बंदूक दिखा करके उससे एक डायमंड रिंग ऑप्टेन किया राहुल को मैंने कोर्शन करके उससे एक डायमंड रिंग ऑप्टेन किया वॉयडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ राहुल बट इसके पहले राहुल अपना ऑप्शन यूज करता और ये रिंग मेरे से लेकर के जाता मैंने ये रिंग किसी और को बेच दिया ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा मेरे पास ओनरशिप नहीं था लेकिन फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा तो ये सब एक्सेप्शन है और बताओ क्या क्या एक्सेप्शन है सेल बाई पर्सन सेल बाई दर्सन हुज ऑलरेडी सोल्ड सेल बाई दर्सन ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट इज है पोजिशन गुड मोबाइल मैंने ऑलरेडी राहुल को भेज दिया था राहुल पांचा बने गया था दूसरा कस्टमर आया बोला ये अच्छा है ऊंचा दम दिया मैंने भेज दिया ट्रांसफर हो जाएगा एक्सेप्शनल केस है हा मैं गलत हूं मेरे ऊपर इंडियन पिनल कोड फ्रॉड का केस किया के जाएगा राहुल मेरे को जेल भिजवा सकता है बट जो नया कस्टमर है उसका तो कोई गलती नहीं था ना गुड फेथ में उसने मेरे से खरीदा ना ठीक है थोड़ा सा गलती तो बल्कि उस कस्टमर और राहुल में राहुल का ज्यादा था क्यों मेरे पास छोड़ करके गया मेरा तो पूरा ही गलती हम तो जेल जाएंगे बट जो नया कस्टमर है उसका तो एक परसेंट भी गलती नहीं था तो उसको ओनरशिप मिल जाएगा सेल बाई पर्सन हु ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स आई हैव ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट आई वॉज हैविंग द पोजिशन ऑफ द गुड्स वैसे ही सेल बाई बायर ऑप्टेनिंग द पोजिशन ऑफ द गुड्स बिफोर द ओनरशिप अप्रूवल अप्रूवल ले ले लो रे बाबा बायर के पास आ गया है ओनरशिप नहीं बट अगर वो चाहे तो बेच करके ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ़ स्टॉप मतलब समझ में आ रहा है इफेक्ट ऑफ स्टॉपल मतलब क्या मेरे ही सामने तुम समझ इफेक्ट ऑफ स्टोबल मतलब क्या मेरे ही सामने मेरा ही गुड्स मेरे ही ही सामने मेरा गुड्स राहुल राहुल उठाया मेरा गुड्स मेरे ही सामने राहुल बोल रहा है कि उसका है और हम राहुल को कुछ नहीं बोले राहुल मेरे ही सामने मेरा ही गुड्स अपना बना करके बेच दिया और हम चुप रहे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा मेरे सामने अगर कोई मेरा गुड्स बेच रहा और हम उसको नहीं रोक रहे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा बाद में हम नहीं बोल सकते नहीं नहीं ये तो झूठ बोला था उस समय बोलना था उस समय क्या दही जम गया था आपके मुंह में अनपेड सेलर अरे यार तो क्या हुआ सेलर अनपेड है तो क्या हुआ सेलर अनपेड है क्या वो ओनर है नहीं याद रखना डिलीवरी का ओनरशिप से कोई संबंध नहीं है वैसे पेमेंट का भी ओनरशिप से कोई संबंध नहीं है क्या क्रेडिट सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता बिल्कुल होता है कौन ओनर है बायर है लेकिन अगर बायर मेरा पैसा मार लेता है ना मैं ओनर तो नहीं बायर मेरा पैसा मार लिया मैं अनपेड सेलर है मेरे पास ओनरशिप नहीं है लेकिन फिर भी मैं माल बेच देगा क्योंकि एक्सेप्शनल केस में डाला गया कि अनपेड सेलर ओनर तो नहीं है फिर भी माल बेच सकता है एंड सेल अंडर अदर प्रोविजन जैसे फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स अगर फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स जो है वो या उससे ज्यादा खर्चा कर देता है फाइंडर द लॉस गुड या उससे ज्यादा खर्चा कर देता है वो ओनर तो नहीं है फाइंडर है बट फिर भी वो गुड्स को बेच सकता है अपना रुपया रिकवर करने के लिए तो ये सारे के सारे क्या थे बताओ एक्सेप्शनल केसेस जब नॉन ओनर ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है नॉर्मली नॉन ओनर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता नॉन ओनर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता बट एक्सेप्शनल केसेस में नॉन ओनर ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है

And and by unpaid seller and sell another other provisions of the act delivery delivery क्या क्या होता है फटाफट -फड़ बता दो थ्री टाइप्स ऑफ डिलीवरी हम वेट कर रहे हैं हम वेट कर रहे हैं तुम्हारे आंसर का टेल मी थ्री टाइप्स ऑफ डिलीवरी कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है क्योंकि और पंद्रह से बीस मिनट का लेक्चर है खत्म हो जाएगा यार सो आईम नॉट गिविंग एनी ब्रेक हाँ, नीतीश लिख सकते हो वेरी गुड अजय मेरे को थ्री टाइप्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स बताओ डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ द पोजिशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ द पोजिशन पोजीशन चेंज हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वॉलेंट्री मतलब इच्छा से बिना इच्छा के तब तो चोरी माना जाएगा डिलीवरी नहीं बाबू सो वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्री टाइप्स ऑफ डिलीवरी बता दो हाँ जी थ्री टाइप्स ऑफ डिलीवरी बता दो Three types of delivery. Tell me three types of delivery. सारे बच्चों ने आंसर दे दिया <coughs> पूछूंगा तो मैं कल जब आप लोगों के साथ सोगा का एक टेस्ट लाइव टेस्ट क्विज फॉर्म में होगा एमसीक्यूज रहेगा ताकि सारे बच्चे का और अच्छे से खुल जाए कल दो बजे एमसीक्यू टेस्ट है मेन्टी क्विज है लगभग चालीस 45 मिनट का रहेगा दो बजे से लेकर के लगभग दो पैंतालीस तक रहेगा तो उसको कल मिस मत करना दोस्तों हाँ जी थ्री टाइप्स ऑफ डिलीवरी एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक एक्चुअल डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी 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 एंड सिंबॉलिक एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है एक्चुअल डिलीवरी मतलब वेन द गुड्स आर फिजिकली वेन द गुड्स आर फिजिकली वेन द गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट्स कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी फिजिकली वो ट्रांसफर हो रहा है तो भाई ये एक्चुअल डिलीवरी है, actual delivery है

अब से मैं तेरे को भड़ा दे देगा ये सामान तुम पहले सेलर के लिए रखता था अपने गोडाउन में मेरे लिए रख मतलब गुड्स वहीं वहीं का वहीं रहा मतलब कस्टडी पहले भी उसी वेरा उसकी पर के पास सो हाउस डिलीवरी टेक्स प्लेस विदाउट द चेंज ऑफ कस्टडी इट्स कॉल कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी सिंबोलिक डिलीवरी क्या होता है टोकन वेन डिलीवरी टेक्स प्लेस बाई ट्रांसफर ऑफ अ टोकन ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी जैसे का चाबी, चाबी गाड़ी तो का दिया जाता है तो क्या सर गाड़ी का चाबी से गाड़ी चलेगा क्या नहीं वो सिंबॉलिक डिलीवरी है सिंबॉलिक डिलीवरी है वैसे बिल ऑफ लैडिंग ये सब क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है पढ़ाया गया ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो होता है ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगर तुमको मिल जाए तो तुम ओनर हो जाएगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ बेर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो मतलब वो अगर है तो तुम्हारे पास टाइटल है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इफ यू हैव द डॉक्यूमेंट यू हैव द टाइटल यानी ओनरशिप बिकॉज इट्स अ बेर डॉक्यूमेंट उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है जिसके पास रहेगा उसके पास ओनरशिप रहेगा तो बिल ऑफ लैडिंग वगैरह जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं बिल ऑफ लैडिंग वगैरह अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो ये कौन सा डिलीवरी होगा बिल ऑफ लैडिंग से अगर हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं ये कौन सा डिलीवरी होगा ये सिंबॉलिक डिलीवरी होगा यह हो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बिल ऑफ लैडिंग वॉर फिंगर सर्टिफिकेट रेलवे रिसिप्ट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है डॉक्यूमेंट शोइंग शोइंग टाइटल टाइटल जो है उसमें ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है खाली वो अगर तुमको दे देंगे तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा जैसे शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम लिखा हुआ है

फाइव मिनट्स का घड़ी देख करके फाइव मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूं सांस ले लो पानी वानी पी लो एंड सेम हियर मजा आ गया यार मजा आ गया फाइव मिनट्स ब्रेक और उसके बाद अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल को क्रैक करेंगे <coughs> बेशर्मो वीडियो अभी तक लाइक करना बाकी तो लाइक तो कर दो और दूसरों के साथ पक्का से शेयर कर देना और हमारा आज नया बैच चालू हो रहा है साढ़े चार बजे फोर थर्टी पी एम उसका ओरिएंटेशन क्लास है लाइव ऑन यूट्यूब तो अपने जूनियर्स फ्रेंड्स या सीनियर्स जो अभी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको रेफर कर देना भाई थैंक यू मोहम्मद चलो ब्रेक ले लो फाइव मिनट्स का डॉट फाइव मिनट्स हाँ सुरेंद्र बहुत जल्द

Come on, guys. The break is over. The break is over, guys. Come on, join very, very fast. लेट अस फिनिश अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल विद इन ट्वेंटी मिनट्स आ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स आ गए हैं सर लेट्स फिनिश इट अनपेड सेलर होता कौन है पहले मेरे को यह बता दो तुम क्या समझते हो अनपेड सेलर कौन है अरे आ जाओ फटाफट आ जाओ हाँ नीतीश <coughs> चलो अनपेड सेलर कौन होता है भाई अनपेड सेलर इज अ सेलर हैज़ नॉट बीन पेड द फुल प्राइस ऑफ द गुड्स अनपेड सेलर इज अ सेलर हैज़ नॉट बीन पेड द फुल प्राइस ऑफ गुड्स गुड्स भाई गुड्स मान लो मैंने गुड्स बेचा था दस हजार रुपया में और कैरेज डिलीवरी का जो चार्जेस होता है कैरेज हजार रुपया लगाया था

दस हजार रुपया जो गुड्स का प्राइस है उसमें अगर पांच सौ रुपया भी बाकी रहता एक रुपया भी बाकी रहता तो मैं अनपेड और फिर अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट्स आ जाएगा अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट्स आ जाएगा अनपेड सेलर का राइट जो है ना अनपेड सेलर का गुड्स के ऊपर भी है बायर के ऊपर भी है अच्छा मान लो से फॉर एग्जाम्पल बायर ने मेरे को जो है ना बायर ने मेरे को चेक दिया होता है

राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स सबसे पहला राइट है फिर transit, फिर का राइट बायर के क्या चीज का है? प्राइस का मैं प्राइस मांग सकता हूं। और ब्याज अरे भाई मैं अनपेड सेलर हूं मेरा प्राइस वापस कर मेरा प्राइस दो भाई गुड्स का प्राइस दो डैमेजेस दो जो इतना लीगल केस में मेरे को फसाया डैमेजेस दो और देरी से प्राइस दे रहा है उसका ब्याज दो प्राइस डेमेज इंटरेस्ट और गुड्स के ऊपर लियन स्टॉप रीसेल सबसे पहले लियन क्या होता है लियन का मतलब होता है टू रिटेन द गुड राइट ऑफ लियन मीन राइट टू रिटेन गुड्स राइट ऑफ लियन मीन राइट टू रिटेन द गुड्स बायर पैसा देने से मना कर दिया हा भाई बायर का ही है? सेल हो चुका है माता रानी का कृपया अभी तक गुड्स का डिलीवरी नहीं हुआ है माता रानी का कृपा है अभी तक सेलर ने गुड्स का डिलीवरी नहीं किया तो कानून बोलता है अगर बायर तुम्हारा प्राइस मार ले रहा है तुम भी उसका गुड्स मार लो तुम्हारे पास अगर गुड्स है तो रिटेन करके रखो राइट ऑफ लियन मीन राइट टू रिटेन द गुड्स गुड्स है तो रख लो दो मत फॉर जैसे ईट का जवाब पत्थर से तुम मेरा प्राइस मारा, हम तेरा गुड्स मारेंगे ये होता राइट राइट ऑफ ऑफ लियन लियन इसी को बोलते हैं लेकिन मैं बता दूं मेरा ये जो राइट ऑफ लियन है ना आई विल बी लूजिंग द राइट ऑफ लियन मेरा राइट ऑफ लियन चला जाएगा कब जब मैंने ऑलरेडी गुड्स का डिलीवरी कर दिया बायर 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 को आई हैव ऑलरेडी डिलीवर द गुड्स टू या फिर बायर ने वो कर लिया तो मैंने खुद से डिलीवर किया है या अनपेड सेलर बड़ा दिलदार है मैंने बोला ठीक है तुम मेरा पैसा नहीं दिया ठीक है गुड्स तुम ले जा कौन सा सकता है कि वो बाद में पैसा नहीं देगा ठीक है तो बायर मेरे को बोला सर हम आपको पैसा एक महीना बाद दें हाँ बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ले जा गुड्स या फिर मैंने अपना राइट ऑफ लियन वेव ऑफ कर दिया समझ में मैंने अपनी इच्छा से राइट ऑफ ऑफ त्याग दिया off कर दिया वेव कर या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि राइट ऑफ लियन यूज नहीं हो सकता तब राइट ऑफ लियन यूज नहीं हो सकता कब कब हम राइट ऑफ लियन यूज नहीं कर सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हम राइट ऑफ लियन यूज नहीं कर सकते या फिर अनपेड सेलर ने वेव ऑफ कर दिया या गुड्स का डिलीवरी कर दिया या बायर ने पोजिशन ऑप्टेन कर लिया स्टॉपेज इन ट्रांसिट क्या होता है भाई राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट क्या होता है मैंने अपने एजेंट को बोला जाओ एजेंट बायर के गोडाउन में माल जो है डिलीवर करके आ जाओ मैं अनपेड सेलर हूं अभी और मैंने बायर को बोला जाओ जाओ ये एजेंट जाओ ये बायर के गोडाउन में गुड्स डिलीवर कर दो अब बिफोर द डिलीवरी मैं एजेंट को बोल रहा हूं भाई वापस आ जाओ वापस आ जाओ भाई इसको बोलता है स्टॉपेज इन ट्रांसिट ऐसा क्या हो गया बायर इंसॉल्वेंट हो गया खबर आ गया तो स्टॉपेज इन ट्रांसिट हम तभी कर सकते हैं जब गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है गुड्स आर इन ट्रांसिट

रीसेल में अगर कुछ नुकसान हो रहा है हम बायर से रिकवर कर सकते हैं रीसेल में रीसेल करते समय मेरे को जो नुकसान हुआ वो हम बायर से ले लेंगे और अगर रीसेल में कुछ प्रॉफिट हुआ तो हम रख लेंगे लेकिन अगर नोटिस नहीं देता ना तो उल्टा होता बिना नोटिस दिए ही मैंने माल सल्टा दिया रीसेल कर दिया तो नुकसान हम प्रॉफिट हुआ तो वो बायर ले लेगा लेकिन पेरिशेबल गुड्स अगर है तो नोटिस वोटिस का दरकार नहीं है तुम ऐसे ही बेच दो पेरिशेबल गुड्स अगर है तो बिना नोटिस के तुम बेच सकते हो और नुकसान होगा तो बिल्कुल बाहर से लेंगे और सरप्लस होगा तो रख लेंगे क्लियर है सर और बायर के ऊपर जो राइट्स है मैंने पहले ही पढ़ा दिया था प्राइस डैमेजेस एंड इंटरेस्ट प्राइस डैमेजेस इंटरेस्ट ठीक है लियन मतलब रिटेन स्टॉपेज मतलब रीगेन बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है लेकिन स्टॉपेज तो बायर जब इंसॉल्वेंट है तभी एक्सरसाइज हो सकता है जहां right है जहां राइट ऑफ खत्म होता वहीं से तो स्टॉपेज चालू होता है ना राइट ऑफ लियन मतलब समझ में आया मेरा खत्म हो गया क्योंकि मैंने गुड्स एजेंट को दे दिया डिलीवर कर तो राइट right ऑफ जहां से खत्म होता है वहीं से स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है अच्छा बायर अगर सेलर धोखा दे दिया तो बायर अगर सेलर धोखा दे दिया तो बायर सेलर को स्यू कर सकता है ये मैंने डिफरेंसेस पढ़ाते समय समझा दिया था सेलर अगर धोखा दे दिया सेलर माल डिलीवर नहीं कर रहा है तो बायर स्यू कर सकता है सेलर को गुड्स के लिए बायर का गुड्स है सेलर अपने कब्जे में रख रखा है तो बायर सेलर को कर सकता है गुड्स के लिए डैमेजेस के लिए रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ठीक है ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी रेपुडिएशन ब्याज सब वसूलेगा बायर यार ऑक्शन सेल आ जाओ यार बड़ा सिंपल है यार ऑक्शन सेल सेक्शन नंबर बता दो लास्ट टॉपिक बहुत गर्ल्स ऑक्शन सेल सेक्शन नंबर सिक्सटी ऑक्शन सेल सेक्शन नंबर सिक्सटी फोर इट्स अ मोड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी यानी गुड्स ओनरशिप ऑफ द गुडिंगली बिट पब्लिकली एंड प्रॉपर्टी बिडर प्रॉपर्टी सोल्ड टू दाइएस्ट बिडर जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा भाई जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है लेकिन इसका प्रोविजन बहुत सारा याद रखना जब हम लोग लॉट्स में बेच रहे हैं गुड्स को अलग अलग लॉट में तो याद रखना हर एक लॉट अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा वेन द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट देन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ठीक है हर एक लॉट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होगा फॉल ऑफ हैमर थ्री टाइम्स याद आ रहा है ना फॉल ऑफ हैमर्स

सेलर अगर अपना आदमी बायर लोग के बीच में बढ़ा दिया ताकि बिड को थोड़ा सा ऊपर उछाला जा सके ये प्रिटेंडेड बिडिंग होता है और कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाता है मक्खन एकदम पूरा टना टन तन टन रिवीजन चल रहा था रिवीजन भाई रिवीजन तो मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का पूरा कोशिश किया ये रिवीजन क्लास के अंदर आई होप यू हैव एंजॉयड दिस रिवीजन क्लास और चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा बेल आइकन नहीं दबा रखा तो दबा दो नोटिफिकेशन नहीं तो नहीं आएगा और टेलीग्राम चैनल में इसका नोट जो है मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगा मैक्सिमम बाय टुमारो ठीक है इफ नॉट टुडे बिकॉज वी आर हैविंग अ वेरी बिजी स्केड्यूल टुडे मैक्सिमम बाय टुमारो इट विल बी शेयर्ड ठीक है और इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी रिविजन हुआ था येस्टरडे अकाउंट का भी जबरदस्त जबरदस्त रिविजन हुआ था यार तो यार मिस मत किया करो यार ये सब प्लीज रिक्वेस्ट है ठीक है और सारे ही फैकल्टीज एमईपीएल e. के इस तरीके से रिवीजन क्लास डेली ले रहे हैं डेली दो बजे हाँ डेली दो बजे तो मिस मत करना और नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से ही सारे चार बजे आज उसका फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है फर्स्ट क्लास लाइव ऑन यूट्यूब रहेगा फिर हमारे सॉफ्टवेयर पर चलेगा फर्स्ट क्लास लाइव ऑन यू फिर हमारे सॉफ्टवेयर पर चलेगा ठीक है चलो थैंक यू दोस्तों बाय और हाँ पेन ड्राइव गूगल ड्राइव सब अवेलेबल है आप हमारे टीम को कांटेक्ट करके पेन ड्राइव गूगल ड्राइव कभी भी भी एनी टाइम बुक बुक कर कर सकते हैं। कर सकते हैं हैं थैंक यू यू और वेबसाइट पर जाकर के लव गाइस यहां कमेंट मत करो अब मेरे को कमेंट करना कमेंट बॉक्स में ये वीडियो मैं ऑफ कर रहा हूं अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई लेक्चर यूजफुल था कि नहीं और मजा आया कि नहीं और कल दो बजे मिल रहे हैं मिनटी को इसके लिए इसी चैप्टर के ऊपर बाय